हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल नोदे स्टेनोग्राफर स्टार्ट करते हैं इससे पहले बता दें कि कंपनी लॉ इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेक्टोरियर प्रैक्टिस स्टेनोग्राफर ओके इट्स सिलेबस एंड देन स्टार्ट करते हैं कंपनी की डिफिनेशन uh, एंड uh, ये अधिकतर इस सलेबस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले कंपनी की डिफिनेशन कंपनी की परिभाषा भारतीय कंपनी अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन धारा तीस तीन सौ फर्स्ट के अनुसार कंप ठीक कंपनी से आशय आशय इस अधिनियम के अधीन निर्माण निर्माणित कंपनी अथवा किसी विद्यमान कंपनी से है ओके तो कंपनी जो है वो किसके अधीन है निर्माणित कंपनी या विद्यमान कंपनी से जुड़ी हुई होती है कॉन्ट्रक्चुअल होती है ठीक है तो ये ये मल्टीपल चॉइस एम सी क्यू में क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल बेस्ड नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री क्वेश्चन में लिख देगा पास पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री तो उन्नीस सौ छप्पन की धारा के अनुसार कौन कौन से हैं तो फोर्थ फोर ऑप्शन में नाम वाक्य या स्थान वाक्य उद्देश्य वाक्य दायित्व पूंजी वाक्य संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य इन सिक्स में फोर थ्री क्वेश्चंस में दे देंगे और था, जो फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा उसमें कुछ कोई अदर डाल देंगे जो कि इससे रिलेटेड नहीं रहेगा तो वो हो गया ठीक है तो पांच सीमा नियम की विषय सामग्री नाम स्थान उद्देश्य दायित्व पूंजी संघ एवं हस्ताक्षर होता है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आते हैं पूंजी वाक्य में परिवर्तन पूंजी वाक्य में किस आ, किस कारण परिवर्तन होता है तो इसके तीन तीन कारक हैं ठीक है फर्स्ट अंश पूंजी को बढ़ाकर, अंश पूंजी में कमी करके पूंजी का पुनर्गठन करके ये तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं नेक्स्ट फोर्थ में चलते हैं पार्सद सीमा नियम की परिभाषा लॉर्ड के लॉर्ड केवंश और और न्यायाधीश हैं जिनके द्वारा बोला गया है तो लॉर्ड केवंस के अनुसार ये परिभाषा क्या है पार्षद एम किसी कंपनी के चार्टर चार्टर है ठीक सीमन एम चार्टर है किसी कंपनी का और यह अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनी की शक्तियों की सीमाओं को कहते हैं जो कंपनी की शक्तियां होती हैं उनकी सीमाओं को पार्सद सीमानियम कहते हैं लॉर्ड केवंश के अनुसार नेक्स्ट मूव करते हैं रजिस्ट्रार को प्रलेख की सपूर्दी के प्रपत्र रजिस्ट्रार को प्रलेख से रिलेटेड कोई प्रपत्र देना होता है तो देखिए कौन कौन सा होता है पार्षद सीमा नियम पार्षद नियम पूंजी का विवरण कंपनी रजिस्टर्ड कार्यालय का पता संचालकों प्रबंध प्रबंधक एवं सचिव के विषय में विवरण ठीक अब नेक्स्ट प्रवर्तन के कार्य विचार की खोज विस्तार जांच पड़ताल आवश्यक सामान एकत्र करना पूंजी की व्यवस्था करना ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी का पंजीकरण करते समय प्रस्तुत की किए जाने वाले प्रपत्र कंपनी का जब पंजीकरण होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे ठीक है फर्स्ट फाइव इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कंपनी के रजिस्ट्रार के लिए तो पार्षद सीमा नियम पार्षद अंतर्नियम, संचालकों की सूची वैधानिक घोषणा एंड निःशुल्क निश्चित शुल्क जो भी शुल्क लगना हो ठीक है नेक्स्ट कंपनी के निर्माण को कितने भागों में बांटा गया है कितने भागों में बांटा गया है प्रवर्तन समामेलन व्यापार का प्रारंभ तीन भागों में बांटा गया है नेक्स्ट सहायक या समानुसंगी कंपनी सहायक जो होती है दो कंपनियों के मध्य ऐसा संबंध कंपनी के द्वारा नियंत्रित कंपनी को सहायक दो कंपनियों का संबंध बीच में होता है तो एक दूसरे के के द्वारा नियंत्रित की जाती है तो वो सहायक है ठीक और समना समनुसंगी कंपनी जो अंग्रेजी में सब्सिडरी कंपनी कहते हैं ये समनूसम सम्ण की कंपनी होती है ठीक नेक्स्ट सरकारी कंपनी सरकारी कंपनी वह समत कंपनी का होती हैं जिसका इक्यावन परसेंट हाथ में हो उसका शेयर जो होता है इक्यावन परसेंट हाथ में हो जैसे कि सरकारी कंपनियाँ कौन कौन सी हो गई सेल बेल एन टी सी पी आ, आई पी बी एल ठीक सरकारी कामकाज के अंतर्गत आते हैं वो और नेक्स्ट कंपनी की चार विशेषताएं चार विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति ये कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है ठीक कंपनी भी एक व्यक्ति की तरह होता है जैसे कि उसको हर एक रिक्वायरमेंट सही होती हैं लेकिन वो उसको कौन सा चलन करता है एक व्यक्ति के द्वारा संचालित है इसलिए इसे कहते हैं कृत्रिम व्यक्ति पृथक अस्तित्व शाश्वत अधिकार सीमित दायित्व कंपनी का वर्गीकरण संगठन के आधार तथा दायित्व के आधार संगठन के आधार पर दो भागों में निजी एवं सार्वजनिक कंपनी दायित्व के आधार पर दो भागों में सीमित और असीमित कंपनी विदेशी कंपनी जो किसी अन्य विदेशी कंपनी कौन सी होती है विदेशी कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसका निर्गमन भारत से बाहर हुआ हो ठीक है भारत से बाहर हुआ हो उसका विदेश में संचालन हो तो उसे विदेशी कंपनी कहते हैं अब आते हैं फुल फॉर्म के ऊपर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आईडीपीएल, बेल एनटीपीसी ये चारों कंपनियां आपने देखा था सरकारी कंपनियां हैं ठीक है इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड एन टी पी सी नेशनल थर्मो पावर कॉरपोरेशन नेक्स्ट मूव करते हैं वैधानिक घोषणा वह वै काम जो कानून सम्मत हो जो कानून की दृष्टि से सही हो कंपनी में रूल्स रेगुलेशन के द्वारा घोषित किया जाता है उसे वैधानिक कंपनी कहते हैं। वैधानिक मतलब लॉ एंड रेगुलेशन से रिलेटेड हो ठीक है फॉलो करती हो लॉ एंड रेगुलेशंस को तो ये हुई वैधानिक कंपनी तो ये रहा पूरा कंपनी लॉ एंड बैंकिंग सर्विसेज कंपनी लॉ का मेन टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आ, जो भी स्टूडेंट हैं स्टेनोग्राफर सेक्रेटरी प्रैक्टिस के ठीक मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट क्लरिकल वेज के उनके में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये आते हैं जैसे जो तैयारी कर रहा हो कॉम्पिटिशन की उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आते हैं अब क्योंकि सिर्फ टाइपिंग लेकर नहीं होता है अब क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड ऑफिस से रिलेटेड कंपनी uh, से रिलेटेड ठीक है सब्जेक्ट कोर्स से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर है ये तो इससे रिवाइज़ करें पढ़ें ओके okay, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं केयर